The festive season has begun, and that means parties, eating out a lot of snacks, and a lot of fried food. Well, honestly, fried food to mujhe bahut pasand hai. Lekin, I hate the unwanted calories that come along with it. Recently, maine kai sari air fried recipes dekhi hai, and I thought even I should share some with you all. So let's find out if an air fryer is worth buying. I am using Borosil's best air fryer. I love how compact it is and is perfect for baking, grilling, roasting, and of course, air frying. Sabse pehle, let me answer the most asked question. Ki air fryer karta kya hai? Air fryer ek mini convection oven ki tarah hai, which cooks food faster and more uniformly. It has a heating coil and a powerful fan, which helps to make sure the cooking process is fast and doesn't dry out the food. It is an amazing, healthier alternative to deep frying. I have been experimenting a lot of recipes using the air fryer, and jo maine samjha hai, wo ye hai ki if you can bake it, grill it and fry it, you can air fry it. To chaliye ab kuch pakate hain in the Borosil best air fryer. Air fryer use karte waqt teen cheezon ka dhyan rakhein. Pehle to jo air fryer ki basket hai, ise hamesha wash kare. जब भी आप पहली बार एयर फ्रायर यूज कर रहे हैं, एक बार एयर फ्रायर को बिना कोई भी चीज के ऐसे ही रन करें। इससे क्या होगा, जो उसकी न्यू स्मेल है वो चली जाएगी, एंड यू विल आल्सो नो दैट एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली। और तीसरी चीज, एयर फ्रायर के साथ में एक ट्रे आती है, कभी भी एयर फ्रायर को बिना इस ट्रे के यूज ना करें। यू नो, Borosil बेस्ट एयर फ्रायर की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके सिर्फ दो नॉब्स हैं, एक टाइम और दूसरा है टेम्परेचर। दिखने में ये काफी सिंपल है एंड इट इज सुपर एफिशिएंट। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट विद आवर ऑल टाइम फेवरेट मंचीज। द फर्स्ट फूड दैट वी आर टेस्टिंग टुडे इज सभी का फेवरेट फ्रेंच फ्राइज। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे समोसा एंड चीजी हैलापिनो स्टिक्स। चलिए दो विशेष टिप्पणी देती हूँ मैं आपको एयर फ्रायर यूज करने के लिए। जब भी आप एयर फ्रायर यूज करें, एयर फ्रायर की बास्केट के अंदर एक पार्चमेंट पेपर लगा लें। इससे जो बास्केट है वो हमेशा क्लीन और मेस फ्री रहेगी और इस पे खाना कभी नहीं चिपकेगा। सेकेंड टिप ये है कि ऑलवेज प्री हीट योर एयर फ्रायर। इससे जो आपका कुकिंग टाइम है वो कम हो जाएगा एंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। मैं यूज कर रही हूँ फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज। करीबन 300 ग्राम्स फ्रेंच फ्राइज मैंने ली है। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा तेल और हम इसे अच्छे से मिक्स करके टॉस कर लेंगे। इसे एयर फ्रायर की बास्केट में डालेंगे और करीबन 15 से 18 मिनट के लिए हमें इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे एयर फ्राई करना है। हाफ वे थ्रू फ्रेंच फ्राइज को एक बार शेक कर लें एंड देन यू कैन कंटिन्यू एयर फ्राइंग इट। एंड फ्रेंच फ्राइज हो गई है तैयार। दीज लुक परफेक्टली गोल्डन एंड नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट इट। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इसमें तेल कितना अब्सॉर्ब हुआ है। सो मैं इसे रब कर रही हूँ एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट नो ऑयल। काफ़ी अच्छे से फ्राई हुई है एंड ये क्रंची भी है। अब मैं सेम फ्रेंच फ्राइज को डीप फ्राई भी कर रही हूँ ताकि हम एक बार इसे टिश्यू पेपर से टेस्ट कर सकें। सो सेम फ्रेंच फ्राइज को मैंने डीप फ्राई किया है और ये देखिए टिश्यू पेपर इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ एंड लेट्स चेक इट। ओ माय गॉड, ये देखिए इतना सारा तेल। चलिए अब समोसा को टेस्ट करते हैं। समोसा को एक लेयर में मैंने यहाँ पे एयर फ्रायर की बास्केट में लगा दिया। इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल ब्रश कर रही हूँ। 200 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे भी एयर फ्राई कर लेंगे एंड दीज आर रेडी। लेट्स क्विकली डू द टिश्यू पेपर टेस्ट। वाओ, ऑलमोस्ट नो ऑयल। चलिए एक पीस को हम तोड़ के देखेंगे। दीज आर परफेक्टली क्रंची ऑन द आउटसाइड। काफी अच्छे से एयर फ्राई हुए हैं। एक बार मैं इसे हाथ लगा के देखूंगी कि कहीं ऑयल तो नहीं आ रहा। मैंने सेम समोसे को डीप फ्राई भी किया है एंड लुक एट दैट, ये देखिए कितना सारा तेल मेरी फिंगर्स पे आ गया। चीजी हैलापिनो बाइट्स भी तैयार है एयर फ्राई करके एंड दीज लुक जस्ट परफेक्ट। लेट्स चेक इट आउट। ये देखिए, ओह दैट लुक्स अमेजिंग। वोला, हियर वी हैव सम अमेजिंग स्नैक्स रेडी विद इन मिनट्स। सो लेट्स टेस्ट दीज
हियर आई हैव लक्ष्मी दीदी। लक्ष्मी दीदी हमको टेस्ट करके बताएगी कि आज ये स्नैक्स कैसे बने हैं। अच्छा These taste amazing and that too so much healthier. There is no compromise on taste or even the nutrition. And finally, let me share my favorite snack recipe which my family loves. Kurkuri bhindi and that too air fried. सबसे पहले हम भिंडी को वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लेंगे। मेक श्योर कि आप अच्छी भिंडी यूज कर रहे हैं। इसके टॉप का पोर्शन और बॉटम को हम कट कर लेंगे और भिंडी को इस तरीके से स्ट्रिप्स में हम कट कर लेंगे। जस्ट लाइक दैट, दीज लुक परफेक्ट। जस्ट मेक श्योर कि सारी की सारी भिंडी यूनिफॉर्मली कट है। अब एक बड़े बोल में थोड़ा सा बेसन, चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर, ये तीन इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस, थोड़ा सा जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट, नमक, ऑयल और इसके साथ थोड़ा सा नींबू का जूस। इन सबको मिक्स करके हमें एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। जो कटी हुई भिंडी है उसे हम इसमें डाल लेंगे और हाथ से इसे अच्छे से मिक्स करें। अगर आप इसे हाथ से मिक्स नहीं करेंगे तो जो ये पेस्ट है वो भिंडी पे चिपकेगा नहीं, इसलिए प्लीज़ इसे हाथ से करें। अब जो एयर फ्रायर की बास्केट है इसमें एक पार्चमेंट पेपर लगा लें, थोड़ा सा अगर ऑयल चाहिए तो ऑयल भी नीचे ब्रश कर सकते हैं और ये जो भिंडी का मिक्सचर है हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब एक फोर्क की मदद से आप इसे थोड़ा अच्छे से फैला दें ताकि ये प्रॉपरली स्प्रेड हो जाए। भिंडी के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे ताकि ये परफेक्टली क्रिस्पी हो सके। और अब हम इसे एयर फ्राई करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 18 मिनट के लिए। हाफ वे थ्रू द एयर फ्राइंग प्रोसेस भिंडी को एक बार अच्छे से शेक कर दे एंड देन कंटिन्यू एयर फ्राइंग इट। एंड दैट्स इट, कुरकुरी भिंडी भी हो गई है तैयार एंड इट लुक्स जस्ट परफेक्ट। ऑनेस्टली आई कांट इवन बिलीव दिस इज एयर फ्राइड, ये इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है। लेट मी शो यू वन पीस, ये देखिए परफेक्ट। This recipe has minimum calories and maximum flavor. I hope you guys found this video useful and are now confident to air fry your favorite food. Do check out the Borosil Best Air Fryer and make your everyday cooking healthier and fun. Stay tuned for more such exciting recipes coming your way.